हैकरों से बचाया गया बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की जीमेल आईडी और न्यूज चैनल को। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में साइबर और सीबोर्ड एक्स टेक्नोलॉजी ने जीमेल आईडी की रिकवर। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पुलिस अधीक्षक साइबर और सीबोर्ड एक्स टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के दर्शकों के दुआ का असर। साइबर पुलिस जुटी है हैकर की तलाश में। जल्द होगा हैक करने वाला और कराने वाला पुलिस हिरासत में। भंडारा गोंदिया जिले का लोकप्रिय न्यूज चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज लोकसभा के चुनाव के समय संदेहजनक व्यक्ति ने हैकर द्वारा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की जीमेल आईडी को हैक कर लिया था, जिसकी शिकायत भंडारा जिले के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी और साइबर पुलिस थाने में दी थी, जिसके बाद स्वयं पुलिस अधीक्षक ने हैक की गई जीमेल आईडी को पुनः वापस लाने के लिए व बीएस क्राइम इंडिया न्यूज शुरू होने के लिए साइबर की टीम से वार्तालाप किया। आपको बता दे कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज कुछ लोगों की खबरों के माध्यम से हकीकत बयां कर रही है, जिससे आम लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनमें से ही कुछ लोग बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संदेह में है कि इन लोगों ने बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के चैनल को हैक कराया होगा ताकि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज हमेशा के लिए बंद हो जाए। पुलिस अधीक्षक के आदेश से साइबर और हैकरों ने 7 से 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के जीमेल को फिर से जीवित किया और हैकरों के मुंह से इस जीमेल आईडी को छीन लिया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने कुछ लोगों की हैक करने में संदेह जताया था, जिसकी जांच शुरू है। आपको बता दे कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आईडी को हैक करने के लिए स्पेन और जर्मनी जैसे देशों के हैकर्स की मदद लेकर आईडी हैक की गई, लेकिन साइबर पुलिस विभाग ने इस घटना की जांच कर गूगल को इसकी जानकारी दी। साथ ही सीबोर्ड एक्स टेक्नोलॉजीज के आकाश खेड़ीकर की मदद से जीमेल आईडी को हैकरों से बचाकर सुचारू रूप से शुरू किया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पुलिस अधीक्षक साइबर की टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द हैकर को पकड़कर उस पर उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान, आज मैं अपने खुद के स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ न्यूज का काम जो है, कारवा है, वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोकसभा के इलेक्शन के समय हमारे चैनल पर कुछ लोगों द्वारा चैनल को हैक किया गया था, जीमेल आईडी को हैक किया गया था, जिसके कारण हमारा चैनल पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन किस्मत से हमारे एक यूनिट था लाइव एक्स का, वो यूनिट के माध्यम से हम लाइव खबर के माध्यम से चैनल पे अपडेट कंटिन्यू कर रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि हम जो सच्चाई वाली खबर दिखाते हैं वो खबर के माध्यम से काफी लोगों को नुकसान होता है, तो आम जनता को उसका फायदा होता है, जिसके कारण कुछ संदेहजनक लोगों ने हमारे चैनल को हैक किया था। और जिसके बाद इसकी तकरार हमने भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी जी को की थी और साइबर क्राइम को की थी। किस्मत में मुश्किलों से लड़कर जब आदमी आगे बढ़ता है तो एक नई जिंदगी फिर से मिलती है, तो उसी तरह से फिर से दोबारा एक जिंदगी हमारे को भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी जी और साइबर क्राइम, साथ ही एक सी बोट टेक्नोलॉजी
के माध्यम से हमको नई जिंदगी मिली है, जिन्होंने हमारे जो हैक किए हुए जीमेल आईडी को और हमारे यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से सुरक्षित वापस किया। बात यहीं नहीं रुकती मेरे दोस्तों, आज मैं आपके साथ में आने का, अपने स्टूडियो में दिखाने का मतलब ये है कि जो हादसा मेरे साथ में गुजरा है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। वो पल मेरे कैसे गुजरे है ये मैं जानता हूं, क्योंकि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आए 8-10 सालों से कंटिन्यू आपको खबरों के माध्यम से हकीकत पहुंचाते हुए आ रहा है, ताकि आपको भंडारा, गोंदिया, महाराष्ट्र और पूरे देश की खबरें आप तक पहुंचे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज एक लोकल चैनल है जो एक भंडारे जिले से शुरुआत की गई है, ताकि आम लोगों तो की जो खबर बड़े चैनलों में नहीं दिखा पाते हैं वो बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अपनी खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके जिन लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकती, जिन लोगों की आवाज शासन तक नहीं पहुंच सकती, उनकी आवाज हम बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को न्याय मिलता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसी छोटे मोटे हादसे हमारे साथ में होने की हमेशा संदेह बना रहता है, क्योंकि सच्चाई दिखाना यानी मुश्किलों से लड़ना, और जो मुश्किलों से लड़ता है उसे कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है, ये नियम है। हम हमेशा सोचते थे कि हमारे माध्यम से जिन आम लोगों को फायदा होता है, उनको न्याय मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होता है, लेकिन जब किसी लोगों का, आम लोगों का फायदा करने जाए तो कुछ बड़े स्तर के लोगों का नुकसान भी होता है, जो हमें नुकसान देने का पूरा पूरा प्रयास किया गया था, जिसके कारण हमारा चैनल हैक किया गया था। हमें ये खुशी हो रही है आज बताकर कि हमारा चैनल जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खबरें पूरी चालू है, बनना चालू है, और ये आपका लोकप्रिय चैनल आज हम, मैं खुद स्टूडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से चालू हो चुका है। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को, सभी व्यूअरों को, सभी मेरे चैनल के दर्शकों को, सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आपकी दुआएं मेरे साथ में जुड़ी, और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, साइबर टीम को प्रणाम करता हूं, साथ ही सी बोट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसको भी, जिनके सहयोग से ये मेरा चैनल जो रिकवर हुआ है, उन सभी को जिन जिन का सहयोग रहा है, कुछ नाम शायद छूट गया होगा तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, पर उन सभी का, और मेरे पत्रकार भाइयों जिन्होंने मेरे दुख के समय मेरा हाथ में हाथ रखकर साथ चलकर मुझे हौसला अफजाई दी और मेरे साथ में रहे, वो सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों को मेरा हाथ जोड़ के दिल से नमन कि उन्होंने मेरे दुख के समय में मेरा साथ रहे। आज के दौर पे सच्चाई से लड़ने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और वो मैं हमेशा करूंगा, चाहे उसमें कुछ भी हो, क्योंकि आम लोगों तक जो तकलीफ होती है वो दिखाने का प्रयास बीएस क्राइम इंडिया न्यूज मरते दम तक करते रहेगी, मैं आपसे ये वादा करता हूं। और ऐसी मुश्किलों से लड़ने के समय जब आप मेरे साथ में रहते हैं तो मेरी जो ताकत है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 10 गुना हो जाती है, जिससे मेरे हौसले और बुलंद हो जाते हैं और मैं लड़ना शुरू करता हूं। कुछ संदेहजनक लोग हैं जिन पे मेरे को आक्षेप है कि उन लोगों ने मेरे चैनल को हैक करवाया होगा, जिनकी तकरार हमने पुलिस अधीक्षक और साहब और साइबर को दी है। आपको बता दें कि हमारा जो चैनल की आईडी को हैक करने का काम विदेश से किया गया था। मैं बोल रहा हूं लंबा हो, पर मैं आपसे अपने दिल की बात जो है पूरी बताना चाहता हूं। चैनल स्पेन और जर्मनी से हैक किया गया था। अब ये सोचिए, भंडारा कहा, महाराष्ट्र कहा, इंडिया कहा,
और अमेरिका कहाँ, और स्पेन कहाँ, और जर्मनी कहाँ, यह कई तालमेल गुलता है एक छोटा सा चैनल भंडारे जिले का बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, और उसको उस देश से हैक किया जा रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पे क्या गुजर रही होगी। मुझे लगा था कि कोई होगा व्यक्ति इंडिया इंडिया का, जो आजकल ऐप के कारण भी काफी लोग हैक करते हैं, तो हो सकता है कि कई ऐप ऐप के कारण हैक हो जाऊंगा, पर नहीं, भंडारा के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं संदेहजनक लोग जिन्होंने इसको हैक करने का प्रयास किया। आज मेरी टीम, जो मेरे साथ में सदैव काम करने वाली, मेरे परिवार, जो मेरा चैनल हैक होने के बाद भी हमेशा साथ में रहे, मेरे दुख में भी और आज मेरे सुख में भी, उन टीम, मेरी टीम को, पूरे स्टाफ, सभी जन जो है, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मेरे परिवार जो मेरे दुख में हमेशा मेरे कदम से कदम बढ़ाकर जो साथ में रहा, जो मेरी कंडीशन थी उसको समझा, मुझे लेके चला। आज ऐसे परिवार मिला है मुझे, इसका मैं खुशी से शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ बातें आज मैं खुल के शेयर करना चाहता हूं आपसे कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की जो हकीकत है, जिसके कारण बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आज भंडारा गोंदिया का नंबर वन चैनल जाना जाता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाता है ताकि आपके तक वो हकीकत पहुंच सके जो किसी के पास कोई और मदद नहीं कर पाता है। लोकसभा इलेक्शन के काफी खबरें हमने कवरेज की, बताई, करी, कुछ हमें तकलीफें हुई तो भी हमने निडर होकर खबरें कवर करी और आप तक पहुंचाई। एक संदेहजनक घटना है हमारे साथ में, जिसपे हमको यकीन है कि वो घटना के कारण हमारा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज हैक किया होगा। हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, संदेह है हमें कि वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि टकिया वार्ड का एक 40 साल पुराना रोड, जिसको प्लाट धारक ने बेच दिया था, जिसके कभी रोड ही नहीं बना है, कुछ कागजों में है, कुछ कागज में हेरफेर करके उसे बदला गया है। ये हम बात कर रहे हैं 1980 की, जिस समय ये रोड, ये लेआउट निर्माण हुआ था, और ये लेआउट निर्माण होके इसमें काफी लोग आए थे, जिसमें हमारे परिवार के लोगों ने भी इस यहाँ का एक प्लाट खरीदा। उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था, झुड़पी जंगल, हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं। उस समय नक्शा पास नहीं किया जाता था और लेआउट का ऐसा बनाकर लोगों को दिया जाता था और उसको बेचा जाता था। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय जबान को कीमत होती थी। एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति को शब्द दे दिया है तो वो शब्द उसको भरपूर निभाया जाता था। ऐसे समय बढ़ते गया और वो लेआउट और रोड प्लाट में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, मैं जिस लेआउट की बात कर रहा हूं, तकिया वार्ड के, उस लेआउट के सारे रोड बेचे गए, एक ही नहीं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी, नगर परिषद, सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लेआउट की जांच की जाए जिसमें लेआउट मालकों ने जगह बेच बेचकर ओपन स्पेस हो गई, रोड हो गई, सारी चीजें बेच डाली है, और उसको बड़े बड़े इन्वेस्टर ने खड़े कर उसके कागज में हेर फेरी कर भंडारे शहर की ऐसी कई जगह है जो खा चुके हैं, जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट की है, जिसमें कागज में हेरफेर कर उसे सारी चीजें में तब्दील किया गया है। मैं आज अपने ही लेआउट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यदि एक शुरुआत अगर होती है कहीं से, तो शायद भंडारा शहर में फिर से एक
अच्छा भंडारा शहर विकसित हो सकता है। कई भंडारा शहर के ऐसी है जहां रोडों जाने के लिए गली नहीं, रास्ते नहीं है, कहीं नाली नहीं, कहीं रोड नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए रोडों पर और ओपन स्पर पर कब्जा किया है, और जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है उसको खरीद कर बड़े बड़े तरीके से बेच रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हम अपने घर के एक फुट छोड़ नहीं सकते, पर मार जरूर सकते हैं। हमारे घर की एक फुट चले गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, पर हम सरकार की एक फुट मालिक मार सकते हैं। सरकारी जो नालियां बनी है वो घर के दूर से बनी हुई है, यानी घर की नाली जब दूर बनी तो वो घर वहां तक आ चुका है, नाली तक वो अतिक्रमण हो चुका है। ऐसी कई दास्तान है भंडारा शहर की जो बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अभी खुलासा करेंगे, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो गवर्नमेंट का टैक्स वैट सारी चीजें चुराते हैं, आज मेरे तरफ से चेतावनी है उन लोगों को जिन्होंने मेरे पीछे दोरे बंदे बांधे थे, उन लोगों को कि आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। तुम्हारी पूरी बारह खड़ी पैदाइशी से जो नए इलाके शुरू करा इस क्राइम इंडिया न्यूज चैनल में, कि कहां से तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आई, क्या बेच के खरीदा, क्या थे पहले तुम, कितना टैक्स भरते हैं, कितने की प्रॉपर्टी की सेल करते हैं, कितना गवर्नमेंट का टैक्स चुराते हैं, दो नंबर के पैसे कितने हैं तुम्हारे पास में, ये सारा खुलासा करेगी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। लिख के रख लो, वायरल करो। तुमने मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश की थी, तुमने मेरे को, मैं कभी भी सच्चाई की खबर लगाता हूं, निडर होकर, डरता नहीं किसी से, और आगे भी लगाते रहूंगा। जो जिन जिन्होंने मेरे को परेशान करने की कोशिश की है, और ये जो रोड की जो बात कर रहा था आपसे, तकिया वाले, ये 40 साल पुराना रोड कलेक्टर साहब की मदद से, माया पूर्व सीओ की मदद से ये रोड पास किया गया था, और ये रोड चालू सुचारू रूप से चालू अतिक्रमण तोड़ के चालू किया गया था, जिसका बांधकाम चालू था। लेकिन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर दलाल, इन्होंने अपने फायदे के लिए इस प्लाट को विलेवाट लगा दिया, यानी रोड को प्लाट बना लिया। हमें मालूम है इतने बड़े पैसे वालों के साथ में लड़ना, यानी कहीं ना कहीं पैसे का बोलबाला, पर एक दिन होता है झूठे का मुंह काला, वो जरूर होगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसे लोगों का पूरा पर्दाफाश करेगी। और आज भंडारा के सभी नागरिकों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है भंडारा गोंदिया जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सभी से, कि हम जो तकलीफ से गुजरे हैं वहीं कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का असर है। जितने भी मेरे साथ में सहयोगी रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आखिरी जाते समय एक शब्द कहूंगा कि जिन लोगों का नाम हमारे पास अगर आ गया, हमें साइबर टीम पर भरोसा है कि वो जल्द से जल्द हमें उन हैकरों के नाम और जिसने हैक कराया है वो जल्द से जल्द खुलासा करके देगी। जिस दिन नाम आ गया उस दिन उनकी तो खैर नहीं, ये आप चेतावनी संजय कि मेरा मार्गदर्शन, ये आपकी मर्जी। शमशेर खान ऐसी ही खबरों के माध्यम से आप तक हमेशा हकीकत पहुंचाता है। और ये जो मेरा लाइव सेटअप है, मेरा जो आप ऑफिस देख रहे हैं, बाजू में स्टूडियो है, ये छोटा सा है मेरा, मेरे पीछे 7-8-10 बच्चे काम करते हैं, रिपोर्टर्स काम करते हैं, और मेरा परिवार खुद मेरे साथ में काम करता है, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंच सका हूं। तो आपकी दुआएं ऐसी बने रहे मेरे साथ में। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।